आईबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सलमान शेख। दोस्तों, हम आज आए हैं एमएलए जो कुरला के हैं मंगेश कुलाड़कर साहब, उनके खिलाफ में एक्चुअली बोला तो नहीं जाएगा, लेकिन कुछ कसाईवाड़े के लोग हैं, जैसे वहां पर जो नगर सेवक का जो नाकामी है, उनके जो मानसून के काम है वो अभी तक पेंडिंग है, पूरी तरीके से हो नहीं पाए हैं। तो मेन रीज़न जो है हमारे एमएलए साहब के पास में आने का यही है, क्योंकि इनका काम और इनका मतलब बोलते हैं ना कि वो ना करते हुए मतलब नहीं है उनका काम, फिर भी वो जो है वो उस काम को अंजाम देते हैं। तो आइए बात करेंगे हमारे एमएलए साहब मंगेश कुलाड़कर जी से। मंगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आईबी न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद सर। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो आपका वार्ड है, आपका मतलब आपके क्षेत्र में पड़ता है 170 और 171, वहाँ के नगर सेवक जो है उनके तरफ से जो मानसून का काम हुआ है, लगभग समझिए कि 40-45% या कहेंगे 50% काम हुआ है, लेकिन काम होने के बाद में भी जो मट्टी वगैरह होती है, जो नाली का पानी है, ये सब चीज़ जो लेकर जो है वो साफ़ सफाई नहीं हुई है। आपने सर वहाँ पे विजिट किया है? उस बारे में मैंने आज ही अपने सहायक आयुक्त वार्ड ऑफिसर एलविभाग के वरंजू साहब, इनके पास अभी मैंने मीटिंग ली, और मंगलवार को मैं सभी संबंधित अधिकारी और सभी जो वार्ड न्याय मतलब 170 171, मतलब मेरे विधानसभा क्षेत्र में आने वाले सातों वार्ड, उस वार्ड के अंतर्गत अभी बारिश के पहले जो मेजर नाले माइनर नाले, इनकी जो साफ सफाई, और साफ सफाई होने के बाद भी जो सब मट्टी और जो भी निकलती है वो जल्दी से जल्दी उठाना, और बाद में जो अभी फिलहाल जो आपने देखा रहेगा 7-8 दिन से तो बहुत ही बारिश या सभी बहुत ही आ रहे हैं, इसके लिए हम लोगों ने क्या तजवीज़ की है बीएमसी की तरफ से, इसके लिए मैंने उनकी मीटिंग ली और मंगलवार को मीटिंग है हमारी ऑफिस एक बार, और मैं खुद मंडे को कल ही शायद परसों सोमवार को मैं खुद हमारे शाखा प्रमुख बाबूराव मोरे हैं, वहाँ के हमारे महिला पुरुष कार्यकर्ता है, उनके साथ जाके मैं कुरेशी नगर के सभी रोड में और नाले की व्यवस्था जो की है साफ सफाई, उसके बारे में मैं बीएमसी के अधिकारियों के साथ विजिट लूंगा, और जरूर जो भी काम पेंडिंग है बारिश के पूर्व के वो सब जल्द से जल्द पूरे करने की कोशिश करूंगा। जी, जैसे देखा गया है कि आप जो है कभी कोई धर्म में, कोई जाति में, कोई इसमें मानते नहीं हो, आप हर चीज़ में मतलब शामिल रहते हो, जैसे कि कोई दरगाह हो या कुरला में जितनी ठक्कर बाबा है, ये मतलब हर जगह पे आपका विजिट रहता है, फिर भी मतलब लोगों का, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि मतलब जीतने के बाद में जो आप मतलब एमएलए साहब खास करके कहा है कि एमएलए साहब का जो विजिट है वो मतलब जीतने से पहले जो इलेक्शन की जो रैलीज होती है उसमें ज़्यादा होता है, लेकिन जीतने के बाद में ये ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, सर ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होता है, अभी आपने देखा रहेगा ये 1.5 साल से तो कोविड का पीरियड चालू है, और इसमें सावधानता करना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए हमने शाखा और कार्यालय के माध्यम से ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करना, क्योंकि अभी घूमने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी जो काम है ये हॉस्पिटल का एडमिशन, बाद में जो लसीकरण अभी वैक्सीनेशन चालू है उस मुहिम में हम लगे हुए हैं, और प्रथम प्राधान्य आपने देखा रहेगा महाराष्ट्र शासन या केंद्र शासन या महापालिका, इन्होंने सबसे पहले प्राधान्य दिया है कोविड और लसीकरण को, और इसके लिए हमारी मुहिम वही चालू है, 1.5 साल से वही काम हम लोग सब मिलकर कर रहे हैं। सर, मैं आपको रोकना चाहूँगा यहाँ पे। सर, जैसे आपने लसीकरण की बात की, वैक्सीनेशन की बात की, तो बहुत से लोगों को जो मतलब आप माफ़ी चाहता हूँ कि मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है तो उन लोगों को एक्चुअली पता नहीं है कि वैक्सीनेशन से क्या होता है और वैक्सीनेशन कहाँ लगाई जा रही है उनके क्षेत्र में, मतलब आप यहाँ के एमएलए हो, यहाँ से लेके अमर महल से लेके चुनावट्टी तक आपका क्षेत्र आता है, तो वहाँ से लेके वहाँ तक मतलब ऐसे बहुत से लोग होंगे जो पढ़े लिखे नहीं है, जो अनपढ़ है, उनको पता नहीं एक्चुअली कि मतलब वैक्सीनेशन क्या है और कहाँ लगवाई जा रही है और कब लगवाना है, इसका टाइमिंग क्या है, तो इसके बारे में अगर आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आपके कितने वैक्सीनेशन सेंटर है। जरूर, अभी महापालिका नहीं है, वार्ड नहीं है, बीएमसी ने सभी जगह पे वैक्सीनेशन सेंटर ओपन किए, जैसे 170 और 171 के लिए मासा मीनाताई ठाकरे जो चुनावट्टी में हॉस्पिटल मैटरनिटी होम, वहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर माननीय महापौर पेडणेकर मैडम के हाथों से संपन्न हुआ था, और वहाँ पे एक सेंटर है जैसे प्रभाग में, जैसे नेहरूनगर में केदारनाथ मंदिर में है, कुर्ला वेस्ट में बाबा हॉस्पिटल में है, ऐसे सब जगह हमारे बीएमसी के सेंटर्स है और वहाँ पे वैक्सीनेशन का काम चालू है, और केंद्र सरकार के गाइडलाइन अनुसार ये सब काम हो रहा है, और आगे भी जाके केंद्र सरकार कुछ नियम बनाएंगे, क्योंकि वैक्सीन अभी ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, महाराष्ट्र सरकार
और मुख्यमंत्री माननीय उद्धव साहब अभी हाल ही में दिल्ली में जाके माननीय पंतप्रधान से भी मिले, वैक्सीनेशन के नियम में सुधार लाने की और अच्छी तरह से सभी लोगों तक ये वैक्सीनेशन पहुंचना चाहिए। वैक्सीन हर एक नागरिक को, किसी भी धर्म या जाति का हो, नहीं तो गरीब हो श्रीमंत हो, सभी को ये वैक्सीन मिलना चाहिए, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री खुद प्रयत्नशील है। सर, लोगों में एक अफवाह है कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद में जो है लोग हॉस्पिटलाइज हो जा रहे हैं और हॉस्पिटलाइज होने के बाद में वापस नहीं आ रहे, ऐसा लोगों की अफवाह है कि वैक्सीनेशन से साइड इफेक्ट्स जो है वो ज्यादा हो रहे हैं, इसके डर के मारे जो है लोग वैक्सीनेशन नहीं कर पा रहे। ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ गलत फहमियाँ है। कुछ लोगों को समझो अगर कुछ पहले से ही कुछ आजार रहेंगे या रोग रहेंगे तो उसका उनको तो इफेक्ट गिरेगा ही ना। अभी मैंने खुद दोनों कोविशील्ड का वैक्सीन मैं खुद लिया, अच्छा, आपने लगा लिया, लेकिन मुझे अभी तक कुछ नहीं है। सिर्फ मुझे पहले वैक्सीन में एक ही बार बुखार आया था एक दिन के लिए ही, लेकिन दूसरे वैक्सीन में मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं हो और अभी तक मैं आपके सामने हूँ। वेरी गुड। जैसे कि आपने सुना कि ये मंगेश कुरारकर साहब हैं, ये बहुत ही जल्द विजिट करने वाले हैं कसाईवाड़े के उस इलाकों में जहाँ पे काम सही तरीके से नगर सेवक द्वारा जो है नहीं किया गया है, और ये शायद हो सकता है उनको फटकार भी लगाए आगे जाके इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है, इस तरीके की जो तकलीफ है वहाँ के लोकल लोगों को ना उठाना पड़े। सर, अभी ये बात हो जाती है अपनी वैक्सीनेशन और काम को लेकर, अब आते हैं सर आपके MLA पद, जैसे आप एक्चुअल में आप SRA मतलब माहड़ा से जो रिलेटेड अपन दो तीन क्वेश्चंस करेंगे। सर, अभी जैसे आपने कुछ महीनों पहले या महीना या दो महीने पहले आपने एक नोटिस भेजी थी मुख्यमंत्री साहब को SRA के कुछ काम को लेकर, सर वो काम अब तक कहाँ तक पहुँचा है? SRA के जो काम चालू विभाग में उसके बारे में मैंने जब से मतलब अभी 6 साल से मैं फॉलोअप कर रहा हूँ, और जहाँ जहाँ पे SRA का काम चालू है वहाँ पे और गति से कैसे है, उसको गति कैसे मिले, और हमारे सभी नागरिक जो वहाँ के मेंबर है SRA के, इसमें जो झोपड़ी धारक है, उन सभी को उनका हक का घर कैसा मिले, इसके लिए मैं 6 साल से कोशिश कर रहा हूँ और बहुत सारी सोसाइटी अभी बहुत सारी बन भी गई है। कुछ प्रलंबित समस्याएं थी लेकिन उनको भी मैंने सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग लेके वो प्रलंबित समस्या उनकी दूर की है, और जल्द ही बहुत सारे सोसाइटी का काम भी पूर्ण होके और चाबी भी उनको सभी झोपड़ीदारों को मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मंगेश जी आपका। ये थे मंगेश जी MLA साहब यहाँ पे कुर्ला वेस्ट के। कैमरामैन तैयब के साथ में सलमान शेख, IBN न्यूज 24/7 हमेशा आपके साथ। और भी लेटेस्ट वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिए।